राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के साथ विधानसभा की 175 सीटों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में जनसेना पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने पोलिंग बूथ में घुसकर मीडिया के सामने ईवीएम मशीन तोड़ दी। इससे मतदान केंद्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विधानसभा उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता किसी बात को लेकर नाराज थे। गुस्से में वो अनंतपुर जिले के गुटी पोलिंग बूथ में घुसे और ईवीएम मशीन को तोड़ दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो मीडिया से बात करते हुए गुस्से में ईवीएम मशीन के पास पहुंचते हैं और उसे टेबल से उठाकर जोर से जमीन पर पटक देते हैं। ईवीएम मशीन को जमीन पर पटके जाने से उस मशीन के परकच्छे उड़ गए। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद केंद्र पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मधुसूदन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।